ये जो बोट आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये काफी पुरानी बोट है भाई। इनकी बहुत पुरानी बोट है, लकड़ी की बोट है पूरी। देखो इसका ये पूरा सिस्टम बहुत ऊंचा है, देखने में भी काफी ऊंचा लग रहा है भाई। कुवैत में है ये, और थोड़ा दूर से जाके थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखो भाई बहुत ऊंची है और पूरी लकड़ी की है, एकदम पुराने ज़माने की है ना। तो इसमें ये लोग जो बादशाह लोग होते थे, जाते थे वो लोग अपना मछली वछली पकड़ने जाते थे, तो उसी टाइम से इसको यहाँ पे खड़ा करके रखा है। शार्क एरिया है, शार्क एरिया में ये खड़ी हुई है बोट। देखो ये है ना, ये बाउंड्री जो चमक रही है, इसको पार करती हुई वो वाली साइड में पूरा समुद्र है, और ये गोला टाइप का कुछ बना रखा है इन्होंने। बहुत मज़ा आ रहा है भाई मेरे को तो घूमने में भी। और आप लोग भी भाई जब वीडियो को देखते हो तो कम से कम लाइक शेयर तो कर ही दिया करो। इसके अंदर भी जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं भाई, क्या पता यहाँ कैमरे लगे हों और बड़ी मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे अलाउ नहीं होता है ना घूमना बोट के अंदर, क्योंकि ये गवर्नमेंट की है। अगर प्राइवेट होती तो एक अलग बात है, प्राइवेट में तो आदमी घुस जाए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भाई गवर्नमेंट की है चीज़, इसमें हम लोग अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये आज लास्ट व्लॉगिंग था गाइज, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलती चाल में एक आध व्लॉगिंग कुछ नज़ारा आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ। नहीं तो मेरा आज कोई इरादा नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि चलो चलती चाल में एक आध वीडियो बना लेनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी हैवी है भाई, इसकी लकड़ी कितनी हैवी होगी भाई, मैं ये सोच रहा हूँ खाली। देखो इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है, और रात को इसमें लाइटिंग भी होती है भाई, यहाँ पे लाइट जलाते हैं इसमें, और ज़्यादा अच्छा लगता होगा देखने में। ये देखिए भाई पूरा अच्छे तरीके से, अंदर नहीं जाऊँगा भाई मैं, अंदर जाने का मेरा मन तो होता है लेकिन जाऊँगा नहीं, क्योंकि जरा सी देर में ममनून है ना सारा सिस्टम, ममनून के चलते अगर हम इसमें कुछ आना खानी करेंगे तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। अब मेरे को जाना है ये वाले टावर के पास, ये टावर है, इसके अंदर होटल है वैसे तो ये, और मेरे को जाना है वहीं पर, एक मार्केट है वहाँ से थोड़ा सामान ले लेता हूँ, सामान लेके फिर मैं निकलूँगा घर के लिए। हरियाली भी काफ़ी नज़र आ रही है भाई आज तो, किसी ने बोला है मेरे को अलातून चलने के लिए मैंने रास्ता पूछा था किसी से, बोले ये रास्ता है 5 मिनट तक अलातून चलते जाओ, 5 मिनट के बाद रास्ता खुद मिल जाएगा। देखो भाई साहब कुवैत में जो है ना खूबसूरती तो है, देखो जो बात है खूबसूरती तो है कुवैत के अंदर, मानना पड़ेगा भाई बहुत खूबसूरती है। ये देख सकते हैं आप, अभी तो ये कुछ भी नहीं है भाई, अंदर जाऊंगा ना आगे जाऊंगा ना मार्केट के अंदर देखोगे ना, मैंने ये जो टावर है ना इस जगह की वीडियो मैंने डाली हुई है पहले भी, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। देखो ये सिस्टम रहता है भाई यहाँ पे पार्किंग का, ये जो ब्लू और वाइट चमक रहा है ना, इसमें सिर्फ हैंडीकैप लोगों की गाड़ी खड़ी हो सकती है, जो अपाहिज लोग रहते हैं ना। देखो ये जो सिंबल जो बना हुआ है ना, सिर्फ यहाँ पे अपाहिज लोगों की गाड़ी खड़ी हो सकती है, अगर दूसरे लोग कोई खड़ी करेंगे तो उसका फौरन चालान कट जाएगा भाई। ये देखो भाई कितना प्यारा व्यू है, और वाकई में फील हो रहा है कि हाँ भाई हम विदेश में घूम रहे हैं, फील हो रहा है कि हाँ भाई विदेश में हैं हम लोग, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ मैं ये वाले टावर के, और देख रहा हूँ मेरे को रास्ता मिल जाएगा तो मैं वो तरफ जाने की कोशिश करूँगा, और पूरा व्यू आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थक भी गया हूँ काफ़ी चलते चलते, और बाप रे अभी तो काफ़ी दूर है यार, यहीं से कोई शॉर्टकट देखना पड़ेगा भाई।